आप सबको मेरा सत श्री अकाल। सम्मानित मंच और यहाँ पर आए हुए मेरे मीडिया के साथियों, मैं आपको पहले एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और उस कहानी से आप निष्कर्ष निकालिए कि क्या अन्याय हुआ है, क्या मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस थे या नहीं थे। एक प्रोसेस होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। आपको पता है रिजल्ट मुझे ये चाहिए तो मैं पीछे के कदम बनाना शुरू करता हूं। रिवर्स इंजीनियरिंग के इस प्रोसेस में मोदी सरकार ने मन बना लिया था कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द करना है, सदस्यता को खत्म करना है। और वो मन तब बना जब 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी जी ने 50 मिनट के अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की कलाई खोलकर रख दी, उनका बेनकाब कर दिया, उस सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया जो आज सारा देश पूछ रहा है। यह रिश्ता क्या है अडानी और मोदी का, और अडानी पर इतने मेहरबान क्यों है मोदी और जांच क्यों नहीं कराते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग यह थी कि हमें इनको डिस्क्वालिफाई करना है, इनकी सदस्यता रद्द करनी है, क्योंकि जब जब ये सदन में बोलेंगे तब तब और पर्दाफाश होगा। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में रिजल्ट पता था, अब उसके लिए ट्रिगर चाहिए था। ट्रिगर क्या हो सकता है? एटलीस्ट 2 साल की सजा इनको मिले जिससे कि इनकी सदस्यता रद्द हो जाए, ये ट्रिगर था। अब उस ट्रिगर के लिए एक ऐसा केस चाहिए था कि वो काम तुरंत हो जाए। तो बाकी जो फर्जी केसेस में फंसाया हुआ है इन्होंने राहुल जी को, उसमें तो तुरंत कार्रवाई हो नहीं सकती थी, तो इन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए एक ऐसा केस ढूंढा जिसमें कि इनको तुरंत सजा हो जाए। और वो केस इनको सूरत की एक अदालत में मिला जो कि डोरमेंट पड़ा हुआ था, डेड पड़ा हुआ केस था। और एक ऐसा केस था जिसमें याचिकाकर्ता ने, जो पेटिशनर है, उसने हाईकोर्ट में जाकर उस कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई थी, रोक लगी हुई थी। उस केस को पुनर्जीवित किया जाता है, वो एप्लीकेशन विड्रॉ करी जाती है, अभी उसके बारे में बात करूंगी। 15 से 20 दिन के अंदर सारी कार्रवाई हो जाती है, जजमेंट रिजर्व हो जाता है और 23 मार्च को जजमेंट आता है। और जजमेंट आता है 2 साल की सजा का। ये अनप्रेसिडेंटेड है। इंडिया की न्यायपालिका, इंडिया की जुडिशियल हिस्ट्री में आज तक अवमानना के लिए जिस जुर्म में उनको फंसाया जा रहा था उसके लिए कभी भी 2 साल की सजा नहीं मिली है। लेकिन ये 2 साल की अगर सजा नहीं मिलती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई ये नहीं कर पाते। अगर सजा 1 साल 11 महीने 29 दिन की होती तो राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। तो मैं आपके सामने ये कहानी इसलिए बयां कर रही हूं क्योंकि रिजल्ट जो मोदी सरकार चाहती थी वो था कि राहुल गांधी जी सदन में ना रहे, उनकी सदस्यता रद्द करी जाए। और सारा स्वांग रचा गया कि कैसे उस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। और कुछ भी और कहने से पहले मैं 2 तथ्य 3 तथ्य आपको और बताना चाहती हूं। राहुल गांधी जी का माइक स्विच ऑफ किया जाता है, वो 7 तारीख का जो उद्बोधन करते हैं, जो भाषण देते हैं, उसके 18 अंक एक्सपंज किए जाते हैं। और वो सारे अंक है, मैंने क्योंकि वो खुद से देखा और पढ़ा है, वो सारे अंक है जहां पर मोदी और अडानी का साथ में नाम आ रहा है। कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक्सपंज नहीं करी गई है, शब्द एक्सपंज किए गए। जहां जहां मोदी और अडानी का नाम साथ आया वो 18 अंक एक्सपंज कर दिए जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 45 दिन बाद एकदम से दिल्ली पुलिस जागती है, उसको नाम चाहिए महिलाओं के। 3 दिन में 2-2 बार राहुल गांधी जी के घर दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है। उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए एक जजमेंट आ जाता है, 2 साल का उनको सजा मिलती है और उससे उनकी सदस्यता चली जाती है। तो ये जो सारा प्रकरण है, ये जो स्वांग रचा गया, ये दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का चीरहरण और विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को, जो आपकी आंख में आंख डालकर मोदी और अडानी के संबंध पूछता है, उसको चुप कराने का प्रयास है। लेकिन वो डरपोक कायर तानाशाह ये भूल गया कि जितना आप सच को दबाइएगा उतनी ताकत से सच को भरता है। सच की ये ताकत है, आप सच पर जितना दबाव बनाइएगा सच वहां से और तमाम जगह से उसी ताकत से उभरता है। और वही हुआ। राहुल गांधी जी 4 बार के सांसद हैं, जनता ने चुनकर उनको अपना आशीर्वाद देके सदन में पहुंचाया। और जैसा कि हर सांसद को घर मिलता है उनको भी घर मिला। उनकी सदस्यता रद्द करने में जो तत्परता
मोदी सरकार ने दिखाई वो घटिया राजनीति है। आपको लगता है राहुल गांधी जी अगर सदन में नहीं रहेंगे तो वो डर के बैठ जाएंगे? आपको लगता है आप उनका घर छीन लेंगे तो वो चुप होकर बैठ जाएंगे? राहुल गांधी जी की रगों में वो खून है जिन्हें उन्हें शहादत दी है, और राहुल गांधी जी उस परिवार से आते हैं जिसने 40 बीघे के ऊपर बना हुआ आनंद भवन और स्वराज भवन जैसे राजमहल इस देश की आजादी के लिए दान में दे दिए थे। वो उस दादी के पोते हैं जिसने अपने सारे जेवर 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत के राजकोष में दान में दे दिए थे। आपको लगता है राहुल गांधी जी को इससे फर्क पड़ेगा? आप मुगालते में हैं, आपके दांव एक के बाद एक गलत पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके सारे दांव इस देश के विपक्ष को चुप कराने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, विपक्ष को डराने और धमकाने के लिए है। विपक्ष लामबंद होकर आज सारा विपक्ष एक साथ एक समूचे स्तर से एक ही मांग कर रहा है। अडानी के ऊपर आक्षेप बहुत सारे हैं, अडानी के ऊपर आक्षेप बहुत गंभीर हैं, आरोप बहुत गंभीर हैं, उनकी जांच कराइए, जेपीसी गठित करिए। अगर आपका गिरेबा साफ है, अगर आप कोई चीज छुपाना नहीं चाहते तो आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? 75 साल में पहली बार सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। सत्ता पक्ष नारेबाजी करता है, बेल में आता है, अवरोध पैदा करता है कि सदन ना चले, क्योंकि सदन चलेगा तो अडानी और मोदी की बखिया और उधेड़ी जाएगी। और अब ये क्या डर गए? अब तो परत दर परत खुलती जा रही है अडानी और मोदी की, और जिसको रंग पोत कर एक छवि बनाई गई थी वो छवि ध्वस्त हो गई है। उस व्यक्ति का कायरता, उस व्यक्ति का खोखलापन आज सारा देश देख रहा है, और आज सारा देश यही सवाल पूछ रहा है जो हम सदन में और सड़कों पर पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है जो पूरी की पूरी सरकार, पूरा तंत्र, सारे मंत्री, सारे सांसद, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक एक व्यक्ति के बचाव में मोर्चा संभाले हुए, एक व्यक्ति के बचाव में सब लोग मैदान में उतर गए।